30 जुलाई 1987 को इंडिया और श्रीलंका के बीच एक पीस एकॉर्ड साइन हुआ, जिसके चलते पीएम राजीव गांधी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। लेकिन अचानक श्रीलंका के एक सेलर ने राजीव गांधी के ऊपर राइफल बट से अटैक किया। राजीव गांधी बाल बाल बच गए। इस इंसिडेंट के 4 साल बाद राजीव गांधी पर एक और अटैक हुआ, लेकिन इस बार राजीव गांधी नहीं बच सके और उनका निधन हो गया। ये इंसिडेंट भी श्रीलंका से ही कनेक्टेड था। 21 मार्च 1991 को तमिलनाडु में चेन्नई के पास श्री पेरुम्बुदूर में एक इलेक्शन रैली ऑर्गेनाइज की जा रही थी। राजीव गांधी रैली में पहुंचे, लेकिन मंच तक पहुंचने से पहले ही उनको एक सुसाइड बॉम्बर ने मार दिया। इस हमले के पीछे धानु नाम की एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर का हाथ था। बहुत जल्द पता चला कि इस हमले के पीछे LTTE का हाथ है। लेकिन ये लोग आखिर थे कौन? इनका इंडिया से क्या लेना देना था? आखिर क्यों ये राजीव गांधी की जान के पीछे पड़े हुए थे? आज ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं 1987 के इंडिया श्रीलंका पीस एकॉर्ड्स पर, जिसको इस इंसिडेंट का मेन कॉज माना जाता है। उस दौर के श्रीलंकन सिन्हालीज और तमिल्स के बीच सिविल वॉर चल रहा था, जिसमें राजीव गांधी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। श्रीलंका में बढ़ रही टेंशन्स को खत्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक समझौता मीडिएट किया। 29 जुलाई 1987, ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी दिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी श्रीलंका पहुंचे और उन्होंने श्रीलंका के प्रेसिडेंट जेआर जयवर्धना के साथ एक शांति समझौता साइन किया। इस समझौते को इंडिया श्रीलंका पीस एकॉर्ड के नाम से जाना गया। उस समय श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था। श्रीलंका में बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले सिन्हालीज और हिंदू तमिल्स के बीच घमासान युद्ध हो रहा था। श्रीलंका आर्म्ड फोर्सेस और कई मिलिटेंट तमिल ऑर्गेनाइजेशंस आपस में लड़ रही थीं। दूसरी तरफ श्रीलंका के सदर्न पार्ट में जनाथा विमुक्ति पेरामुना ने श्रीलंकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक आर्म्ड रेबेलियन लॉन्च कर दिया था। ऐसे माहौल में साइन हुआ इंडिया श्रीलंका पीस एकॉर्ड। इसके चलते श्रीलंकन गवर्नमेंट वहां के तमिल्स को सेल्फ गवर्निंग राइट्स और बेटर कंडीशंस देने को तैयार हो गई थी, लेकिन उसके बदले मिलिटेंट तमिल ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी सभी एक्टिविटीज को बंद करना था। उस समय श्रीलंका में रह रहे इंडियन हाई कमिश्नर NN झा का मानना था कि इस एकॉर्ड का असली मकसद असल में श्रीलंका को टूटने से बचाना था। इंदिरा गांधी के समय से ही ये साफ कर दिया गया था कि इंडिया नहीं चाहती है श्रीलंका का बंटवारा हो जाए। वो चाहते थे कि दोनों साइड्स के बीच एक पीसफुल समझौता हो और श्रीलंकन तमिल्स को उनके ड्यू राइट्स दिए जाएं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जानती थी कि एक डिवाइडेड श्रीलंका इंडियन स्टेट तमिलनाडु के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये श्रीलंका का इंटरनल मैटर था और ये एकॉर्ड वहाँ के राइवल ग्रुप्स के बीच होने के बजाय इंडिया और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच साइन हुआ, और इसी बात से तमिल्स और स्पेशली LTTE नाखुश थी। ऐसा क्यों हुआ वो भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ये LTTE आखिर हैं कौन और उनका इस एकॉर्ड से क्या लेना देना था। LTTE या लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम श्रीलंका का एक तमिल मिलिटेंट ग्रुप था, जो श्रीलंका में रह रहे तमिल्स के राइट्स के लिए लड़ रहा था। ये ग्रुप श्रीलंकन आर्म्ड फोर्सेस को चैलेंज करने वाला सबसे पावरफुल ग्रुप था। वो श्रीलंका के नदर्न और ईस्टर्न तमिल डोमिनेटेड एरियाज को अलग करके एक अलग देश बनाना चाहते थे और LTTE को लीड कर रहा था वेलुपिल्लाई प्रभाकरन। लेकिन जब ये समझौता हुआ उस समय प्रभाकरन वहाँ मौजूद नहीं था। वो कोलंबो या फिर तमिलनाडु में नहीं बल्कि दिल्ली के 5-स्टार होटल अशोका में रुका हुआ था। इस समझौते से 5 दिन पहले ही वो भारत आया था। उसका कहना साफ था कि इंडिपेंडेंस के अलावा श्रीलंकन तमिल्स के लिए कोई और सोल्यूशन नहीं है। नए एकॉर्ड ज्यादा से ज्यादा तमिल लोगों की मुश्किलों को कुछ दिनों के लिए कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तमिल में प्रभाकरन को इंडिया श्रीलंका पीस एकॉर्ड के लिए मनाने की खूब कोशिश की गई, लेकिन वो श्रीलंकन गवर्नमेंट पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था। 28 जुलाई को प्रभाकरन राजीव गांधी से मिला। राजीव गांधी ने उसे समझाया कि अगर वो इस समझौते को स्वीकार करते हैं तो श्रीलंका में भारत की पीस कीपिंग फोर्स वहां के तमिलियंस की सुरक्षा करेगी। लेकिन 1.5 घंटे के डिस्कशन के बाद प्रभाकरन ने इस जेंटलमैन्स एग्रीमेंट को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी रिटर्न में नहीं लिया। उसके बाद हुई प्रभाकरन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा कि वो सच में मान गया है, लेकिन बाद में सामने आया कि प्रभाकरन इस बात को लेकर एक बार राजीव गांधी से फिर मुलाकात करना चाहता था। लेकिन अगले ही दिन राजीव गांधी कोलंबो के लिए रवाना हुए और वहां जाकर हिस्टोरिक पीस कीपिंग एकॉर्ड साइन किया
और यही वजह बना राजीव गांधी के असैसिनेशन की।